अगर हम बहाने कर रहे हैं तो ये भी कौन सी है? माया है, बहानेबाजी भी माया है। तो इसके बाबा ने आज कहा कि माया की फौगी बहुत जबरदस्त है, फौगी। तो इसको क्या करना है, समझना है, ये माया की फौगी है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 18:3-42, मीठे बच्चे, माया की फौगी बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। फौगी में बादल में कभी भी मूंझना नहीं, उसमें मूंझना नहीं होना। अच्छा, नेक्स्ट है, प्रश्न है, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है जिसका यादगार शास्त्रों में है? सेवा में अगर हिंट दे, वैसे तो बहुत सारे यादगार हैं महावीर बच्चों में, लेकिन ऐसा कौन सा यादगार है जिसमें पता चलता है कि ये महावीर बच्चा कर सकता है, मतलब शास्त्रों में वो बताया जाता है, तो ऐसा कौन सा यादगार महावीर बच्चों? मतलब अगर वैसे तो थोड़ा सा भी हिंट तो वो क्लियर ही हो जाएगा, पूरा स्टोरी क्लियर हो जाएगा। हाँ, दधीचि ऋषि है। हाँ, संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी जो मूर्छित है उसको सुरजित किया, ये संजीवनी बूटी। तो महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजित किया, जिस उसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाते हैं। तुम बच्चों को तरस पढ़ना चाहिए, ना तरस पढ़ना चाहिए, क्या बताओ? ये सुरजित करना है, मूर्छित को सुरजित करना, क्या तरस पढ़ना है? मूर्छित को सुरजित करना, मतलब जो आ गए हैं आके वापस छोड़ दिए। जो सर्विस करते करते बाप से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए, उन्हें पत्र लिखकर सुरजित करो। कौन करेगा वो? हाँ, करते रहते हैं। पत्र लिखो, क्या लिखना है? फोन पे। हाँ वही, उन दिनों तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी? बोलो उनको, क्या जो पढ़ाई छोड़ दी, बदनसीब क्यों बने? आवाज बहुत स्लो है गिरते कुए को बचाना है। दीदी, आवाज ही नहीं आ रही है। क्या हुआ, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी? लिखो उनको, गिरते हुए अच्छा गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। आगे, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, पग पग ठोकर खाऊं मैं। तुमरी नगरिया की कठिन डगरिया, तुमरी नगरिया की कठिन डगरिया। चलत चलत गिर जाऊं प्रभु, चलत चलत गिर जाऊं मैं प्रभु। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। चहूं और मेरे घोर अंधेरा, चहूं और मेरे घोर अंधेरा। भूल ना जाऊं द्वार तेरा, भूल ना जाऊं द्वार तेरा। एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो। मन का दीप जलाऊं मैं, मन का दीप जलाऊं मैं बाबा। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति दीदी।
एक ही बार बोला है हाथ पकड़, ये तो रोज ही पकड़ता है हाथ। यह गीत तो बहुत कॉमन गाते हैं, हे भगवान अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकरे बहुत खाते हैं। ये गीत वालों को बोले आ गया भगवान, तुम्हारी पुकार सुन ली, फिर गीत गा रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो फिर क्या बोलते हैं, फिर गाया गीत, हम बोल रहे हैं आ जाओ पकड़ते नहीं है। 60 साल पहले गाया था जी। आत्मा कहती है बाबा मैं आपसे मिलने के लिए शरीर द्वारा बहुत ही भटकी, आपका रास्ता बहुत ही कठिन है। ये तो जरूर मनुष्य समझते हैं कि जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं, यह नहीं जानते कि हमको ज्ञान मिलना है, तब हम नयनहीन से सज्जे बनेंगे। भक्ति मार्ग का कायदा है भक्ति करना, धक्का खाना, आधा कल्प धक्का खाते आए हैं। तुमने अब धक्के खाने बंद कर दिए, तुम भक्ति नहीं करते न शास्त्र पढ़ते। जब भगवान मिल गया फिर ये सब क्यों करे, उसके बाद क्या करना होता है। देखो मिलने के, किसी व्यक्ति को मिलने के पहले के लॉजिस्टिक्स डिफरेंट होते और मिलने के बाद के अलग होते। तो मिलने के पहले ये सब थे, मिलने के बाद मिल गया वो। अब फिर साथ रहो, फिर हाथ में हाथ पकड़े रहो, फिर वो जैसे कहे वैसे चलते चलो। पहले बोला ना मुझे आपसे मिलना है, आपके पास रहना है, आप ही मेरे सब कुछ हो, सब कुछ हो गया, वो साथ में रखा है। नहीं राह दिखाओ तो पहले था, अब तो क्या है हाथ पकड़ के चलना है। तो मुरली पकड़ी मतलब हाथ पकड़ा है ना, मुरली मतलब हाथ। तो आत्मा कहती है हे बाबा मैं आपसे मिलने के लिए शरीर द्वारा बहुत ही भटकी, तुमने अब धक्के खाने बंद कर दिए, जबकि भगवान हमको अपने साथ ले जाने वाला मिला है, तो फिर हम धक्के क्यों खाए। भगवान आएगा तो जरूर सबको साथ ले जाएगा, भगवान आएगा, सभी धक्के से धक्के खाते रहते हैं, और एक दो को आशीर्वाद करते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं समझते कुछ भी नहीं, पोप साधु संत जो आते हैं उनके लिए समझते हैं, तो ये गुरु लोग हमको रास्ता बताएंगे भगवान से मिलने का, परंतु वो गुरु लोग खुद भी रास्ता नहीं जानते, तो फिर दिखाएंगे कैसे। भाई भगवान रास्ता दिखाओ। एक्चुअली एक होता है कि चलो कोई सिचुएशन है उसमें रास्ता दिखाओ, और किसके लिए रास्ता दिखाने के लिए कहते, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, कौन सा रास्ता चाहिए। एक तो मुझे इधर क्या करना है इधर क्या नहीं करना है, एक है और कौन सा रास्ता चाहिए, सुख का रास्ता चाहिए ना, ऑलवेज सुखी कैसे हो वो रास्ता चाहिए ना, कि खाली उस परिस्थिति में मुझे क्या डिसाइड करना है वो रास्ता चाहिए ऑलवेज। तो ऑलवेज के लिए फिर बहुत सारे डायरेक्शंस हैं। तो पोप साधु संत जो आते हैं उनके लिए समझते हैं, तो ये गुरु लोग हमको रास्ता बताएंगे। आशीर्वाद देते हैं तो भी सिर्फ इतना कह देते हैं भगवान को याद करो, राम राम कहो। जैसे रास्ते में देखो, रास्ता जब बताया जाता है, मुझे कोई साथ में रहे तो रास्ता बताए वो तो बेस्ट है, और नहीं तो बताता कि ऐसे जाओ, वो भी एक तरीका है रास्ता बताने का। फिर भी क्या करते हैं, वहां तक पहुंचने के बाद वो बेशक उसने सब कुछ बता दिया, यहाँ से ऐसे राइट फिर लेफ्ट फिर ये आएगा फिर वो आएगा फिर बाद में आपको ये खंबा दिखेगा, फिर
फिर भी हम कहीं जाके रुक के पूछते हैं अभी कहाँ जाना है, बेशक पूरा बता चुके हैं लेकिन फिर भी, तो बीच बीच में वेरीफाई करते रहना, यह है रास्ता, रास्ते पे चलना। तो अब रोज की मुरली क्या करती है हमको, कल मिस्टेक कर दी, वेरीफाई। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे ना साथ ले चलते हैं, तो कहेंगे इस रास्ते से चले जाओ तो पहुंच जाएंगे। जैसे रास्ते से कोई से पूछो फलाना स्थान कहाँ है, तो कहेंगे ये रास्ते से चले जाओ, ऐसे नहीं कहेंगे साथ ले चलते हैं, तुमको रास्ता चाहिए वो बता देते हैं, परंतु साथ में गाइड तो, कोई गाइड तो चाहिए ना, गाइड बिगड़ तो मूंछ पड़ेंगे। जैसे तुम भी एक दिन फॉगी के कारण जंगल में मूंछ पड़े थे, ये माया की फॉगी बड़ी जबरदस्त है, स्टीमर वालों को फॉगी के कारण रास्ता दिखाई नहीं देता, बड़ी खबरदारी रखते हैं। तो यह है फिर माया की फॉगी, कोई को रास्ते का पता ही नहीं पड़ता, फॉगी में पता नहीं चलता है ना, तो क्या करना होता है फॉगी में, लाइट्स, फॉगी एकदम करंट पे देखो, दूर देखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। उस समय मुझे क्या करना है, माया की फॉगी आ गई, हाँ ज्यादा अलर्ट रहना होता है, राइट, स्लो डाउन करना होता है, रीथिंक करना होता है, हाँ स्लो डाउन भी करना होता है। तो धीरे धीरे चलो, तो बड़ी खबरदारी रखती है, कोई को तो रास्ता का पता ही नहीं पड़ता है, जब तब तीर्थ आदि करते रहते हैं, जन्म जन्मांतर भगवान से मिलने के लिए भक्ति करते आए, अनेक प्रकार की मत भी मिलती है, जैसा संग वैसा रंग, हर जन्म में गुरु भी करना पड़े। अब तुम बच्चों को सदगुरु मिला, वह खुद कहते मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को वापस घर ले जाता हूं, फिर विष्णुपुरी में भेज देंगे। अब हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, मानो कोई गुरु व पंडित आदि आकर यह ज्ञान ले और दूसरों को कहे कि मन मना भविष्य बाबा को याद करो, तो उनके शिष्य आदि पूछेंगे तुमने यह ज्ञान कहाँ से लिया, वो झट समझेंगे कि इसने तो दूसरा रास्ता ले लिया, उनका दुकान खत्म हो जाएगा, मान्यता खत्म हो जाएगी, कहेंगे तुमने ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान लिया तो हम क्यों ना बीके के पास जाए। वैसे ये जब शिवानी बहन के जो वैसे क्योंकि स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल लाइफ स्टाइल्स से है, तो कितनों ने जो दूसरे गुरु जो स्पीकर्स है मोटिवेशनल स्पीकर्स, कितने हमने कॉपी देखा है, पूरा कॉपी किया हुआ है ना, और वो अच्छा कमा रहे कॉपी करके नाम कमा रहे। तो बाबा कहते फिर वो सोचेंगे ना क्यों ना वहीं से ले। तो जो शिष्य आदि पूछेंगे तो सब जिज्ञासु, खुद गुरु लोग कहते हैं सब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे, फिर हम कहाँ से खाएंगे, सारा धंधा खत्म हो जाएगा, सारा मान खत्म हो जाएगा, यहाँ तो 7 रोज भट्टी में रख फिर सब कुछ कराना पड़ेगा। अच्छा कौन सी 7 रोज की भट्टी है, देखो स्टैंडर्ड हमारा जो स्टेटमेंट होता है, 7 रोज की भट्टी मतलब 7-day course। बाबा कहते हैं रोज भट्टी में सब कुछ कराना पड़ेगा, रोटी पकाओ यह करो सब कुछ सिखाना होगा, जैसे सन्यासी लोग भी कराते, क्यों तो देह अभिमान टूट जाए, ये भी करेंगे यह भी करेंगे वो भी करेंगे। ऑलराउंडर, ऑलराउंडर जनरली हमने सोचा कि मतलब फिजिकल की बात करने भी आता है, तो खाना पकाने भी आता है, मतलब जनरली ये सोचा है, लेकिन ऑलराउंडर का मतलब झाड़ू निकालना भी आए, बर्तन मांजना भी आए,
ऑलराउंडर, तो बाबा ने कितना कुछ, सब कुछ, एक चप्पल भी ठीक करनी है तो भी उसके लिए भी कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि चप्पल तो चलो वो तो मोची का काम है ना। क्या स्टेटमेंट दिया बाबा ने निर्मल शांता दादी को, खुद जोड़ो। बाबा ने कहा मतलब बाबा ये तो मोची कर लेगा। बाबा ने कहा बच्ची तुमको चप्पल जितने भी अक्ल नहीं होगी तो विश्व की महारानी क्या बनोगी? रसगुल्ला नहीं बनाने आता है? तुमको इच्छा हुई, तुम्हारी दासी को बता नहीं आया, फिर बाबा ने सब सिखाया। तो बाबा कहते हैं कि ऐसो इसको कहेंगे ऑलराउंडर, कहीं भी फिट हो जाए, ये करना है तो ठीक, ये करना है तो ठीक। तो बाबा कहते तो फिर ऐसे का ठहरना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, तो जो बाहर से आते उनको पहले पहले बाप का परिचय देना है कि हम मात पिता से विश्व के मालिक पने का वर्षा ले रहे हैं। बाबा है विश्व का रचयिता, हमारी एम ऑब्जेक्ट है कि हमको नर से नारायण बनना है। तुमको भी दाखिल होना है तो 8 रोज आकर पढ़ना होगा, बड़ी भारी मेहनत है। इतना अभिमान कोई तोड़ न सके, ऐसे ऐसे आदमी जल्दी आ नहीं सकते। बाप समझाते हैं तुम भाई बहन हो। तीसरा स्टेटमेंट, पहले 7 रोज भट्टी, फिर 8 रोज दाखिल हो जाओ, फिर भाई बहन। एक दो को समझा सकते हो, समझो कोई बच्चे है जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बहुतों को समझाते थे, अब बाबा का हाथ छोड़ दिया है। अब ये तो तुम जानते हो कि शिव बाबा पढ़ाते ब्रह्मा द्वारा, डायरेक्ट तो पढ़ा नहीं सकते। तो बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूं, राजयोग सिखलाता हूं। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव का भी छोड़ दिया। ब्रह्मा का छोड़ा मतलब शिव बाबा का छोड़ा, कितना बाबा का। वैसे ब्रह्मा को याद नहीं करो, ब्रह्मा तो दलाल है, वो क्या दे सकता है, विश्व की बादशाही तो मैं देता हूं। और वैसे ब्रह्मा का हाथ छोड़ा गोया शिव का हाथ छोड़ा, क्या है स्टेटमेंट्स में, रिस्पेक्ट भी पूरा और फिर ब्रह्मा के बिगर। तो कोई कहे डायरेक्ट मैं ऐसे हूं, कभी कभी होता है ना डायरेक्ट मधुबन से, भाई थ्रू नहीं, थ्रू वालों को इंपॉर्टेंस है। थ्रू के थ्रू ही तो हम जाते, ब्रह्मा नहीं हो, दादिया नहीं हो तो बाबा के पास कैसे पहुंचेंगे। तो बाबा कहते विचार किया जाता है फलाने ने छोड़ा क्यों, नसीबदार बनने के बदले बदनसीब क्यों बने हो। ऐसे छोड़ने के बाद, वैसे हम लोगों को तो नहीं पता पर छोड़ने के बाद तो डाउन ही होता है, स्थिति अच्छी पता नहीं हमको। जिन्होंने छोड़ा ना उनकी स्थिति देखी हमने। हाँ, रिपेंट करे या हाँ वो आएंगे, बीज बीज डल गया ना, बहुत खराब स्थिति, क्योंकि ये रोज सुनने के बाद भी स्थिति में, और रोज सुनकर प्रैक्टिस पूरे दिन नहीं करो तो भी स्थिति में फर्क पड़ जाती है, सुनो ही नहीं। विनोद भाई सोच रहे, फर्क पड़ा, आ नहीं सका उसमें भी फर्क पड़ते, चाहे रोज ऑनलाइन करते तो भी, ठीक है ना भाई, किसी का इरादा तो नहीं है, यहाँ तो सब पक्के है ना, पक्के पक्के, सुरजीत करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कभी। अब देखो फोटो निकाल लो,
नहीं दीदी नहीं पड़ेगी, सभी ने हाथ उठा रहे, सुरजीत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी ना, नहीं पढ़ने पड़ेगी उसको। सुलभा बहन बाकी सब कहाँ है, वीडियोस ऑफ है, दिखाई नहीं दे रहे होली के दिन तो। अच्छा होली है इसलिए अतीश, नहीं हम नहीं लगाएंगे रंग, नहीं लगाने वाले, वीडियोस ऑन कर लो। अरे वीडियो को ऑफ होइले झाले ती मलती मनाई थी। तो बाबा कहते हैं क्या सिखलाने वाले हैं, बाप ने तुमको कुछ कहा तो तुम जो इतना वर्षा लेने वाले हैं, अच्छा नसीबदार बनने के बदले बदनसीब क्यों बने हो, बहनों से रूठे होंगे, क्या कारण होगा? एक ही कारण है, और ब्राह्मणों से भी रूठते हैं, ब्राह्मणों से रूठ गए। तुम जो इतना वर्षा लेने वाले थे फिर क्या हुआ, इसका प्रूफ क्या हुआ, मतलब किसके हाथ पकड़ के चल रहे थे? देहदारी का हाथ पकड़ के चल रहे थे, तो देहदारी को कुछ हुआ तो बस, या कुछ कहा कुछ हुआ। तुम जो इतना वर्षा लेने वाले थे फिर क्या हुआ, क्या सिखलाने वाले बाप ने तुमको कुछ कहा जो पढ़ाई छोड़ दी, मदर इन लॉ ने कुछ कहा, फादर इन लॉ ने कुछ कहा, भाई युगल तो ठीक है ना, नहीं ऐसा, साथ तो उसका रहना है ना। बाबा कहते तुम क्या सिखलाने वाले बाप ने तुमको कुछ कहा जो पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गए, अपनी तकदीर को लकीर लगा दी, समय देख उनको लिखना चाहिए। भाई करो, आप लोग तो नए हो, पुराने जिम्मेवारी लो, कुछ कुछ हो सकता है, वो शायद आपके फोन कॉल की वेट कर रहे हैं। ट्राई करो। अच्छा बाबा भी पूछ सकते हैं तुमने राजयोग सीखना क्यों छोड़ा, तुम भी आश्चर्यवत बाबा का बनंती कथंती भागंती में आ गए, अपनी तकदीर को लकीर लगा दी, समय देख उनको लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। हो सकता है पत्र पढ़ने से फिर जग जाए, सोचो इस पर। अच्छा कल से फोन आने लगे आपके। अच्छा उस समय आएंगे। तो बाबा कहते हैं अब लिखो पत्र, लिखो पत्र पढ़ने से फिर जग जाए, गिरते हुए को बचाना होता है, डूबने से किसको बचाया जाता है, इसलिए हम कर रहे हैं ये सब, लिखना करना फोन करना, हमारे तरफ से लाइन क्लियर, क्योंकि लास्ट में तो वो आत्मा याद करने ही वाली है कि अरे इन्होंने इतना कहा हमने फिर भी नहीं सुना, वो याद करेगी, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग सामने होगा। कई बार ऐसी बातें होती है ना कि मुझे मम्मी ने इतना बोला था, इतना बोला था, वो पूरा विजुअल्स सामने आ जाता है, याद आएगा उनको। हाँ ये भी ठीक है। वो तो चलो नयो का है, पर ये सुरजीत वाले की, आज बाबा का फोकस इन पर है, सुरजीत करने वाले। हाँ हाँ पढ़ाई नहीं छोड़ो, वो तो हमारा हमेशा स्टैंडर्ड एक आंसर होता है, टीचर नहीं अच्छी है, क्लास अच्छा नहीं है, तुम स्टडीज तो करो चाहे घर में बैठ के करो, स्टडीज को क्यों छोड़ देते हो, टीचर और क्लास और स्कूल से क्या मतलब है, दूसरे स्कूल चेंज करो। तो बाबा कहते हैं हो सकता है पढ़ने पत्र पढ़ने से फिर जग जाए, गिरते हुए को बचाना होता है, डूबने से किसको बचाया जाता है, तो ऑफरिन देते हैं, यह भी डूबने से बचाना है, ज्ञान की बातें हैं, लिखना चाहिए।
तुमने खिवैया का हाथ छोड़ा है तो डूब मरेंगे। देखो बाबा भी साकार में बोलते, बाबा ने आज लिस्ट निकाली है ब्रह्मा बाबा, और उसमें सबसे ऊपर नाम है चंद्रमणि दादी का। बाबा ने बोला, डिक्लेयर किया क्लास में, अब क्या हो जाएगा, सब देखेंगे, चंद्रमणि दादी को देखते। बोले बाबा ने ऐसे आपका नाम लिया, जो छोड़ने वाले है ना, डिवोर्स देने वाले, उसमें आपका नाम है। तो दादी, दादी ने कहा देखो इससे दूसरों को कितना इंस्पिरेशन मिलेगी, राइट। बाबा ने कहा मतलब बाबा बीच बीच में टेस्ट करते थे, अगर ऐसा कर दो तो इंसल्ट फील होता है, बहुत तरीके से टेस्ट करते थे, छुई मुई नहीं। कितनी सारी बीमारी आजकल, टच मी नॉट, छुई मुई, नाराज होना, उदास होना, ऐसा क्यों बोल दिया बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं गिरते हुए को बचाना है, तुमने खिवैया का हाथ छोड़ा है तो डूब मरेंगे। तारू तैरने वाले लोग अपनी जान को जोखिम में रख दूसरों को बचाते हैं। कोई पूरा तारू नहीं होता है तो खुद भी गुम हो जाता है। तुम भी कोई को डूबता हुआ देखते हो तो दस, तो क्या करो, सुनो सुरजीत भी कैसे करना है, 10-20 चिट्ठियां लिखो सुना भावना बहन, एक एक दो कॉल से काम नहीं चलेगा। गुलाब भाई ने सुना, 10-20 चिट्ठियां लिखो। हाँ मौका तुम बहुत मिलते हैं ना हमको, भाई आज होली मिलन है आ जाओ। वैसे तो होली दिवाली पे फोन से भी बात कर सकते हैं। हाँ फोन से करो, होली होली दिवाली कहते हैं ना, होली दिवाली तो आओ, बाकी दिन नहीं आओ। तो शाम को भी रखा है। बाबा कहते हैं तुम प्रेम से लिखो, तुमने इतना हाथ पकड़ा, इतना समय हाथ पकड़ा, औरों को भी समझाया, फिर तुम कैसे डूबते हो। तुम प्रेम से लिखो, बहन जी तुम तो राजयोग सीख पार जाने वाली थी, अब तुम डूब रही हो, तरस पड़ता है बेचारे को बचाए। फिर कोई बचता है वह नहीं है, वो यह हुई उनकी तकदीर। ठीक है, पुराने पुराने रतन सारे, दीपक भाई देखो आसपास कोई ऐसा तो नहीं है, है कई कोविड के कारण छोड़े। तुम प्रेम से लिखो। दूसरी बात, ये जो प्रदर्शनी में ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यहाँ नर से नारायण बनने का मार्ग बताया जाता है, ये राजयोग बहुत अच्छा है, बस लिखा बाहर निकला तो भूल गया, इसलिए जो लिखते हैं अब क्या करो। बाबा का वर्ड सुनो, उनका उनकी पीठ करनी चाहिए, पीठ फॉलो अप, कि तुमने ये ओपिनियन लिख कर दिया परंतु क्या किया ये भी प्रॉब्लम। फिर कोई लिखेंगे तो भी बीकेज उनके पीछे पड़ेंगे। बाबा कहते क्या किया, न अपना फायदा किया न दूसरों का। तो पहली मुख्य बात है मात पिता की पहचान देनी है, इसलिए बाबा ने प्रश्नावली बनाई है। तो पूछो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, वर्षा क्या मिलता है, क्या वर्षा मिलता है, ये लिखाना चाहिए। बाकी सारी प्रदर्शनी समझाए पिछाड़ी में लिखने से कोई फायदा नहीं है, मुख्य बात है मात पिता का परिचय देना, इसलिए बाबा ने प्रश्नावली बनाई है। अब समझा है तो लिखो, मात पिता से परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, ये भी एक अच्छा प्रश्नावली है एग्जीबिशन में।
तो आप समझाए तो लिखो, नहीं तो गोया कुछ नहीं समझा। हड्डी जिगरी समझा कर, देखो कैसे समझाना है, हड्डी जिगरी समझा कर फिर लिखाना चाहिए। जिगरी समझाना, डीप डाउन सोल से, बिल्कुल हार्ट एंड सोल। हाँ, हमारे प्रदर्शनी समझाते ना भाई बहन, तब देखना चाहिए क्या जिगरी समझाते, गला वहां से आवाज आ रही है, गला फाड़ फाड़ के भी समझाते मंदिरों में जब होता है, तो दिल की फीलिंग है ना। बाबा कहते जिगरी समझा कर फिर लिखाना चाहिए। बरोबर ये जगत अम्बा है, जगत पिता है, वो लिख दे कि बरोबर बाप से वर्षा मिलता है, ये लिख कर दे तो समझो, यहां तक आ जाए। इतनी एग्जीबिशन समझते है? बाबा कहते कौन क्या, हाँ यहां यह लिख कर दे कि बरोबर वो मात पिता है, ये जगत अम्बर और जगत पिता है, तो फिर वर्षा लेने क्यों नहीं आते हैं। ये लिख कर दे तब समझो, वो ये लिख कर दे तब हम समझे डैश, बाबा समझेगा। हाँ, कि तुमने कुछ सर्विस की है, खाली जिगरी समझाने से भी नहीं, अगर उनके तरफ से वो वैसा लिख कर नहीं दे। अभी मुश्किल है, नहीं हम जिगरी करते जाएंगे, क्योंकि हमको तो बाबा से वर्षा मिलना है ना। तो बाकी खैर, बाबा ऐसे ऐसे भी कहते और वैसे भी कहते, बच्चे तुम तो करो। हाँ, तुमने कुछ, बाबा कहेंगे ये लिख कर दे तब समझो कि तुमने कुछ सर्विस की है। अच्छा, फिर अगर न आए, अभी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फिर अगर न आए तो चिट्ठी लिखनी है कि बरोबर ये जगत अम्बा है, वो ये जगत अम्बा और जगत पिता है, तो फिर वर्षा लेने क्यों नहीं आते। हाँ, अभी आ रहा है ना प्रोग्राम, ये शिवानी बहन का प्रोग्राम है और उसके बाद भी प्रोग्राम करेंगे। अचानक काल खा जाएगा, मेहनत करनी चाहिए प्रदर्शनी की, उससे मुश्किल कोई दो चार निकले तो फायदा ही क्या हुआ। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, आना छोड़ दे तो चिट्ठी लिखनी चाहिए। तुम बेहद के बाप से वर्षा लेते थे, फिर माया ने तुमको पकड़ लिया है, प्रभु का तरफ छोड़ देते हो, यह तो तुम अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। जो महावीर होगा वह झट संजीवनी बूटी देंगे। सुना, सोच रही है वैराली का बहन कैसे दे, यह बेहोश हो गया है, माया ने नाक से पकड़ लिया तो उनको बचावे। इतनी मेहनत करे तब कोटों से कोटों में कोई निकले, जांच करनी पड़े कि यह सैपलिंग कैसा है। बच्चियां लिखती है कि हमारा गला घुट गया, परंतु तुम जास्ती, थोड़ा देर के बाद तुम जास्ती बातों में जाओ ही नहीं। बच्चे कहते बाबा हमारा गला घुट गया, मतलब हुआ क्या, स्थिति ऐसी आई नहीं। बाबा कहते इतनी मेहनत करे तो कोटों में कोई निकले। एक एक जो रतन यहां निकले है ना, ये बहुत बहुत वैल्यूबल है। जांच करनी पड़े तुम, परंतु तुम जास्ती बातों में जाओ ही नहीं। पहली मुख्य बात समझा कर लिखो, फिर और बात,
एक ही त्रिमूर्ति के चित्र पर पूरा समझाना है। निश्चय करते हो तो तुम्हारे माँ बाप है, इनसे वर्षा मिलना है। कोई कितना भी बूढ़ा हो, ये दो अक्षर तो सबको समझा सकते हो ना। अगर ये दो अक्षर भी धारण नहीं होते तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि कहाँ कीचड़े में फंसी हुई है। मुख से ज्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करना है। वर्षा है विष्णुपुरी जिसके तुम मालिक बनते हो। बाबा अति सहज कर समझाते हैं। अहिल्याए कुब जाए कैसे भी हो, वर्षा पा सकती है। कई सोचते हैं कि ये बीकेज है ना, वीआईपीस को ज्यादा मतलब उन्हीं की सेवा करती है। दादियों की फोटोज में कईयों का ऐसा फीडबैक आता है। तो हमारे विंग्स है ना, एग्रीकल्चरल विंग है, यूथ विंग है, मतलब हर एरिया के, तो उस एरिया में भी हमारा पूरा फोकस होता है। गांव की सेवा कितनी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ श्रीमत पर नहीं चले, बाबा अति सहज समझाते हैं, सिर्फ श्रीमत पर चले, अहिल्याए कुब्जाए सब। देहाभिमानी बनना तो सहज है, किसको गृहस्थ व्यवहार नहीं है, अकेला है तो बहुत सर्विस कर सकते। कोई कोई को देहाभिमान रहता है, मोह की रख टूटती नहीं है। देहाभिमानी शरीर में मोह नहीं रखेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, ये पुरानी दुनिया है, इनसे ममत्व मिटाना है, एक बाप को याद करना है। वर्षे को याद करने से रचता भी याद आ जाता है। कितनी कमाई है, खुद भी करो और औरों को भी कराओ। माँ बाप बच्चों को लायक बना देते हैं, फिर बच्चे का काम है बाप की संभाल करना। फिर माँ बाप छूटे, यहां बहुत है दूसरे, मतलब दूसरे का संभाल करना, यहां बहुत है जिनकी रग जाती है। अच्छा, कोई को अपना बच्चा नहीं है तो धर्म के बच्चे में मोह जाता है। बाबा तो कितनी बार कहते हैं बच्चे नहीं है ना, अरे निर्बंधन हो, बहुत फायदा है उसमें। बच्चे वालों को पूछो कितने एक के पीछे एक स्ट्रेस लगा रहता है, नहीं होता है? तो बाबा कहते हैं मतलब जो जिस स्थिति में है ना, अब उसको और बढ़ाओ नहीं। ये है समझदारी, ये है ज्ञान की समझ। तो बाबा कहते हैं यहां बहुत है जिनकी रग जाती है, तो फिर वो धर्म के बच्चे में मोह जाता है, फिर वो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं। प्रदर्शनी में मुख्य बात ये समझानी है। एक्चुअली ये सबसे बेसिक क्लैरिटी और विश्वास हो कि कोई भी आत्मा को मैंने अपना बनाया, वो पैकेज है प्लस और माइनस का। हम सोचते प्लस का ही पैकेज है, उसके साथ माइनस भी है, टीवी है, लैपटॉप है, प्लस भी है तो माइनस भी बहुत है। तो फिर जब वो माइनस होता है तो स्ट्रेस हो जाता है, वो प्लस दिखता है। दीदी पर ये भी तो ड्रामा में नूंद ही है ना। नूंद तो सब कुछ है, फिर भी मुरली सुनाते हैं ना बाबा, ताकि जो है जिस स्थिति में उससे अब नूंद है वो पिछला हो गया। अभी मुझे क्या करना है, वो डिसीजन तो आज लिया ना, अभी ले रहे हो ना, अभी आपको आना है या नहीं आना है। जैसे आज के दिन है सेंटर पर, ये किसका डिसीजन था, नूंद का डिसीजन था या खुद का था? हाँ, फिर नहीं आए या आए, ड्रामा में नूंद था। हाँ, नूंद भी तो भी कर रहे हैं, राइट, नूंद भी है करते भी है। बाबा कहते हैं नई दुनिया की रचना कैसे होती है, कैसे हम मालिक बनते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। परंतु बच्चे पूरा समझते नहीं है। तुम बच्चों को रात दिन खुशी रहनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान है, वहां विष्णु को दैवी संतान, वहां विष्णु की दैवी संतान को इतनी खुशी नहीं होगी जितनी अब तुम ईश्वरीय संतान को है। सत्युग की खुशी भी
इस खुशी से कम है। भगवान के बच्चे हैं, भगवान मेरे साथ है सारा दिन, तो नेचुरल लाइफस्टाइल होगा ना। हाँ, नेचुरल लाइफस्टाइल है। अभी तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर तुम ही विष्णु की संतान बनोगे ये, परंतु खुशी अभी है। देवताओं को ईश्वरीय संतान से ऊंचा नहीं कहेंगे, तो ईश्वरीय संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु आज बाबा बड़े परंतु कर रहे हैं, यहां से बाहर निकलते ही माया बिल्कुल ही भुला देती है। तो समझो मधुबन गए, बहुत नशा था, फिर मधुबन से आए, कौन कौन कहता है कैसे रहे हम, भाई हमको बताओ, वहां मधुबन से आए ना, नशा बहुत चढ़ा, कैसे रहे। रेगुलर मुरली सुनो सेंटर पर, वो नहीं पॉसिबल है, फिर कैसे रहना है, बहुत नशा था बाबा। इसलिए कहते यहां से बाहर निकलते ही माया बिल्कुल ही भुला देती है। तो समझो तकदीर में राजा ही नहीं है। मधुबन का नशा और मधुबन से जो प्यार, वैसा ही प्यार ऑलवेज हो बाबा के लिए, बाबा के घर के लिए, उसको कहेंगे नशा। बहुत मेहनत करनी चाहिए। माया ऐसी है जो वहां का वहां ही थप्पड़ लगाकर भुला देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया धारणा के लिए सारे। मोह की सब रगे तोड़, इस पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल, सर्विस में लग जाना है। बाप और वर्षे को याद कर, कमाई जमा करनी है। दूसरा है, अच्छा तैरने वाला बन, सबको पार लगाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, बुद्धि कीचड़े में नहीं लगानी है। श्रीमत पर चलना है, बुद्धि कीचड़े में नहीं लगानी है। वरदान है, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख, सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, उतना ये सर्व शक्तियां ऑर्डर में रहेगी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रिया जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसे ऑर्डर से चलती है, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर पर चलने वाली हो। जब ये सर्व शक्तियां अभी से ऑर्डर पर होगी, तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। कहां मुझे धैर्यता चुपचाप रहना है, कहां मुझे बोलना है, उस समय मुझे परखना है, उस समय मुझे हिंट देना है, सर्व शक्तियां, तो वहां सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। सारी सर्व शक्तियां बोला, अष्ट शक्तियां नहीं, मास्टर सर्व शक्तियां। स्लोगन है, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरंकारी बनो। निरंकारी के लिए एक और गुण चाहिए जो आज हम होमवर्क में भी करेंगे, नो सोचना। मन में कोई बात को रखना वो भी
अहंकार को रखना है, ईगो को रखना है। दादियों के डायरी से, वास्तव में याद का रूप क्या है? पितासम दिव्य कर्तव्य में तत्पर रहना, परमात्मा की याद में रहते हैं, वह किस द्वारा दिखाई पड़ेगा? जैसे देखा बच्चे है, वह जब अपने पिता का फुटस्टेप ले खुद भी कार्य करने में तत्पर रहता है, वही पिता की याद का रूप है। क्योंकि पिता अपने बच्चों को फरमान बरदार देख बहुत हर्षित होता है कि यह मेरा बच्चा बिल्कुल सुपात्र है, जो मेरे सिवाय मेरे घर की परवरिश करता है। वैसे भी जो देवी वत्स अपने देवी मात पिता सम दिव्य कर्तव्य करते हैं, करने में तत्पर है, वही याद का ओरिजिनल रूप है। जिस स्वस्वरूप में मात पिता स्थित रहते, उसी स्वस्वरूप में बालक भी स्थित रहने से दोनों की तार आकर कनेक्ट होती है और पिता पास शीघ्र ही जाए पहुंचते हैं। पिता भी कहता है कि ऐसे वत्स मेरे से मिले ही पड़े हैं, अर्थात वह साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इस रीति अंतर्मुखता में रह साइलेंस से परमात्मा को भी समीप खींच लेते हैं। समय परमात्मा वर्ड ज्यादा बोलते थे जब दादियों का बाबा शब्द नहीं होता था, परमात्मा। तो आज होली का थोड़ा सा हम बाबा की मुरली सुनते हैं होली पर। बाबा ने तो संगम युग बेगमपुर, मूल वतन बेगमपुर, स्वर्ग बेगमपुर, ये 21381 की मुरली है। तो बाबा मालिक आज बाप दादा ऐसे मालिकों को देख मालिकों को आज के होली की मुबारक देते हैं। होली का दहन मतलब एक दिन पहले बाबा आते थे, शिवरात्रि और होली उसके एक दिन पहले बाबा हमेशा आते थे। रंग के होली की मुबारक नहीं, लेकिन होलिये की मुबारक है। को लिए, हाँ, बाबा की हो लिए, सब बाप के हो अर्थात बाप के हो लिए अर्थात हो गए। हो लिए होना, होली नहीं। समझ में आया कल्पना भर? हो लिए मतलब बाबा के हो गए ना भाई, पहली होली वाले जो भी रेडी रहना, सब बाबा के हो लिए अर्थात हो गए। हो लिए ना, गीत क्यों गाते, क्या गाते हो? बाप के हो लिए, जो बाप के हो फिर उनों को ही होली मुबारक। होंगे व हो लिए क्या कहेंगे, जब होली अर्थात पास्ट इज पास्ट कर बाप के हो लिए, तब खुशी की पिचकारी लगाते हो। तो हम होली नहीं मनाते हैं क्या? हो लिए, पहले ये वर्ड देखते ही मुझे ये ख्याल आया कि प्लूरल होली का प्लूरल होगा हो लिए। समझ में आया? नहीं, ये बात मुरली हाँ, जब होली अर्थात पास्ट इज पास्ट, तब खुशी की पिचकारी लगाते हो। पिचकारी से रंग डालते हैं ना, तो आपकी पिचकारी से कितनी धाराएं निकलती है। आजकल एक ही पिचकारी से भिन्न भिन्न रंग भी डालते हैं, आजकल है पिचकारी का स्टाइल है। अच्छा, तो कितने रंग डालते हैं, वह यह रंग लगने के बाद बेरंगी हो जाते हैं ना, इसलिए उन्हें वस्त्र व अपनी सूरत ठीक करना पड़ता है। तो आपका रंग इतना श्रेष्ठ और प्रिय है, जो जिसको भी लगाओ वह यही कहेगा कि और लगाओ, सदा लगाओ। आपकी खुशी की पिचकारी मनुष्य को कितना परिवर्तन कर देवात्मा बना देती है। एक धारा, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये खुशी की धारा है। तो ये खुशी की पिचकारी एक दो को लगाते हो ना, दूसरी सर्व सर्व प्राप्ति के धाराओं की पिचकारी, जैसे अतींद्रिय सुख, आत्मा और परमात्मा के मिलन का रूहानी प्रेम, ऐसे और भी सोचो ये अलग अलग। एक खुशी की पिचकारी, एक परमा एक सर्व प्राप्तियों के धाराओं की पिचकारी, ये पिचकारी,
ये तो कॉमन है। तीसरी पिचकारी सर्व शक्तियों की पिचकारी, ये लगानी होती है ना, पिचकारी मेंट फॉर लगाना। तो इन विदेशियों ने पिचकारी कब देखी है, जैसे गुलाबाशी होती है ना उसमें कितने सुराख होते हैं, ऐसे पिचकारी दूर से लगाई जाती है जो फोर्स से दूर दूर तक जाती है। ज्ञान की अलौकिक पिचकारी तो देखी है ना। अच्छा चौथी पिचकारी ज्ञान की मूल पॉइंट्स ऐसे पिचकारियों से होली खेलने से देवात्मा बन जाते हैं, मतलब वो पिचकारी होते हैं ना देते हैं दूसरों को। तो ज्ञान की मूल पॉइंट्स तो सर्व शक्तियों की, सर्व प्राप्तियों की और खुशी की, चार पिचकारी बाबा ने बताई। तो गोपी वल्लभ गोप गोपियों से एक दिन होली नहीं खेलते, लेकिन संगम युग का हर दिन होली है, संगम पर होली और सत्युग में होगी। संगम पर होली और सत्युग में होगी राइम करो राइम करो। दिवाली दिवाली दीदी टोली टोली नहीं आया, गिव अप। चलो सत्युग में होगी हॉलीडे मौजी है वहां। अच्छा अभी हॉलीडे नहीं मनाना, अभी तो मेहनत ही मोहब्बत के कारण हॉलीडे की अनुभूति कराती है। बाप दादा ने बच्चों का एक दृश्य ऊपर से देखा, मेहनत का सुंदर दृश्य है। तो जहां नया हॉल बनाना है वहां भाई लोग रोज पत्थर उठाते हैं, ये 81 की मूल्य है ना। वहां वो ओम शांति भवन का हॉल बन रहा था ना, तो पत्थर उठाते थे। तो कहां मंदिरों में पूजे जाने वाले, प्रकृति भी अपनी दासी बना बनकर सेवा करने वाली, बाप भी बच्चों की माला सिमरन करते हैं। मंदिर में पूजे जाने वाले आज पत्थर उठा रहे, लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे, पत्थर उठा रहे थे। यह मेहनत नहीं लगी मोहब्बत के कारण। समझा ना हमारा कार्य। देखो हर कार्य करने से यादगार रह जाता है। अब जैसे ओम शांति भवन की बात कर रहे हैं ना, तो उस समय हम लोगों ने भी जब जो भी पार्टी में जाता था वहां पत्थर उठाने का सेवा करता था, लेबर नहीं लगाते थे, यज्ञ में पैसा कहाँ था इतना। उठाया ना, एक एक घंटा रोज सेवा करते थे पत्थर उठाने। अब यादगार हो गया ना, यादगार हो गया। ओम शांति भवन देखते देखते हमने यहाँ के पत्थर उठाए। तो बल्कि ऐसी सेवा करने से वो यादगार हो जाता है कि इसमें कंट्रीब्यूशन हमने की थी। अच्छा तो ये बाबा की विशेष होली के बाबा की मुरली, होली अर्थात होली है और होली अर्थात हाँ। देखो सबसे बड़ा त्योहार, सबसे ज्यादा स्टेट्स में मनने वाला जो त्योहार होता है ना, वो अलग अलग स्टाइल से, जैसे दिवाली है नवरात्रा है, वो तो एक ही स्टाइल है स्टैंडर्ड सब जगह, लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें बहुत स्टाइल से अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग है। राजस्थान की होली, गुजरात की होली, महाराष्ट्र की होली, बरसाने की होली, वृंदावन की होली, लठमार होली, तो ये अलग अलग स्टाइल से मनाने वाला त्योहार ये होली का ही त्योहार। विदेशों में भी होती है। तो एक तो ये होली और दूसरा बाबा हमेशा कहते हैं होली उसमें क्या करते हैं, पहले व्हाइट कपड़े होते हैं ना, व्हाइट कपड़े उसके बाद ही रंग। तो पहले सफाई, सफेद क्यों, सफेद भाई जब कलर करना है तो व्हाइट कपड़े क्यों, कि फायदा नहीं ना, दिखाई नहीं देगा। तो पहले हमको बाबा व्हाइट कपड़ा मन क्लीन ये करते, उसके बाद फिर ये रंग,
फिर ये होली के रंग लगते। और दूसरा पहले खींच के लाना होता है, आज बाबा ने कहा ही है मुरली में होली ऐसे ही नहीं आ जाते, लोग कम होते वॉलंटियर्स, बाकी खींच खींच के लाते। तो हम लोग भी क्या करते, एक तो खींच के लाते, फिर मूर्छित हो जाते, फिर सुरजीत करते, फिर 10-20 चिट्ठियां लिखते। तो ये होली। और फिर क्या होता है, जो खींच के लाता है उसका एक बार वो रंगना पड़ता है, उस समय सब मिलके उसको रंग देते हैं, उसके बाद वो मास्टर हो जाता है दूसरों पर। और फिर वो सोचता है मैं ज्यादा मुझे जैसे किया ना, अब वो शर्माता नहीं है, तो फिर वो सबको करता है। तो एक्यूरेट हमारे संगम युग का यादगार है ना, हमको बाबा ने कोई ने खींच कर लाया, हम रंगे, तब तो हम नहीं रंग रहे थे, हम रंगे अब हम क्या करते हैं घर घर में जाते हैं पर्चा बांटने खींच कर लाने के लिए। तो ये एक्यूरेट हमारा यादगार है होली का। तो ऐसी होली की बाबा के बच्चों को बाबा की बहुत बहुत लख लख बधाइयां। तीन मीनिंग होली का बाबा बताते, नए हैं पुरानों को तो पता है। वन होली ए, वन सेकंड जो नए हैं बोलता है, हाँ होली HOLY होली, होली। तीसरा होली जो पास्ट हो गया, जो पास्ट हो गया होली, इसलिए कहते भूलो ना, होली के दिन है, होली है, कल की बात भूल जाओ, होली है। तो वो तो उस दिन भूलते हैं या नहीं पता नहीं, शायद उस दिन रिवेंज भी निकालते हैं भूलते तो नहीं है लेकिन, और हम एक सेकंड पहले भी हुआ, पास्ट, पास्ट को याद करना और इम्प्रेशन बनाकर रखना, ये बहुत बड़ी पनिशमेंट स्वयं को देना है उसमें। दीदी कल सुना पास्ट सपना, फ्यूचर इज प्रेजेंट सपना और फ्यूचर इज कल्पना। ये तो ये स्टेटमेंट्स तो हम बहुत जानते हैं कल्पना है सपना है, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्डिंग जाती नहीं है, डिलीट नहीं होती है, रिसाइकल बीन से भी निकल जाए। ओके बाबा ने इस मुरली में भी कहा था, ये नहीं आज नहीं, सब देख रहे हैं। दीदी आपको भी, आपको भी दीदी ओम शांति। अच्छा अभी हम सुनेंगे।